ओके हाय, गुड इवनिंग वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। हेलो, यस यस, आई विल स्टार्ट शेयरिंग माय स्क्रीन एंड लेट्स स्टार्ट द सेशन। ओके, सो गाइस, टुडे वी विल स्टार्ट विद अवर फर्स्ट सेशन विद सेंटेंस स्ट्रक्चर। ओके, सो आपके सिलेबस में भी है सेंटेंस स्ट्रक्चर, और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कई बार लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है, तो विल स्टार्ट विद दिस, है ना। नाउन प्रोनाउन ऑलरेडी यू हैव अ फेयर आइडिया व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ स्पीच, बट स्टिल आई फील दैट लॉट्स ऑफ पीपल हैव अ लिटिल बिट ऑफ कन्फ्यूजन इन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। तो सेंटेंस के आपके सिलेबस में भी क्वेश्चंस हैं, तो आइए से एक बार नए तरीके से शुरू कर दें। तो व्हाट सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर्स वी नीड टू स्टडी, कौन कौन से सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। दो द सिंपल सेंटेंसेज, देन देयर आर कंपाउंड सेंटेंसेज, उसके बाद कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज होते हैं, और कुछ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज भी होते हैं। तो सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, पहले तो हम इनको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा सेंटेंस कौन सा है, ताकि हमें एक फेयर आइडिया समझ में आए कि ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से काम करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, पद्मिनी एट डिनर, है ना। पद्मिनी एट डिनर, ये एक सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस दिख रहा है मेरे को, तो ये क्या है, सिंपल सेंटेंस है, और यहाँ पर क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यानी कि एक ऐसा क्लॉज है जो कि खुद में ही इंडिपेंडेंट है, उसको किसी दूसरे क्लॉज की उसको कंप्लीट करने के लिए ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम, पद्मिनी एट डिनर बट शी वॉज स्टिल हंग्री, है ना। पद्मिनी ने डिनर किया बट उसके बाद भी वो कैसी थी, मतलब भूखी थी, उसको फिर भी भूख लगी थी। ये कैसा सेंटेंस है, ये कंपाउंड सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। पद्मिनी एट डिनर अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये हमने कंजंक्शन से जोड़ दिया। शी वॉज स्टिल हंग्री, ये भी कैसा है, एक अपने आप में कंप्लीट इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यानी ये भी एक सेंटेंस की तरह काम कर सकता है। उनको आपने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ा, तो अब ये क्या बन गया, कंपाउंड सेंटेंस बन गया, यानी ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, पद्मिनी वॉज स्टिल हंग्री इवन दो शी हैड ईटन लंच, है ना। पद्मिनी जो थी वो फिर भी भूखी थी, क्योंकि जबकि वो खाना खा चुकी थी, यद्यपि वो खाना जो है वो खा चुकी थी, लंच कर चुकी थी। तो ये कैसा है, ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक डिपेंडेंट क्लॉज भी है। ये इवन दो वाला जो है, इवन दो शी हैड ईटन लंच, तो ये इवन दो शी हैड ईटन लंच अगर आप इसे अकेले पढ़ोगे तो कंप्लीट सेंटेंस नहीं बन रहा हो, यानी कि ये क्लॉज तो है परंतु पूरा क्लियर नहीं है, मतलब मीनिंग जो है वो पूरा कन्वे नहीं होता। तो इट कैन नॉट एक्ट बीइंग अ क्लॉज ऑल्सो, क्लॉज तो है लेकिन क्लॉज होने के बाद भी वो कम्प्लीटली एक सेंटेंस की तरह एक्ट नहीं कर सकता। तो ये कैसा है, यहाँ पे डिपेंडेंट क्लॉज है, और पद्मिनी वॉज स्टिल हंग्री ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और दूसरा जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज है, इसलिए सेंटेंस टाइप कौन सा हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा, यानी इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और दूसरा एक डिपेंडेंट क्लॉज है। मैंने आपको बताया कि इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है, पद्मिनी वॉज स्टिल हंग्री तक ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और इवन दो से शी हैड ईटन लंच ये डिपेंडेंट क्लॉज है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, इसी को हम एलैबोरेट करने की कोशिश करते हैं। पद्मिनी वॉज टायर्ड एंड शी वॉज स्टिल हंग्री इवन दो शी हैड ईटन लंच। अब यहाँ पे हमने तीन क्लॉजेस को फिक्स करने की कोशिश की है। तो पद्मिनी वॉज टायर्ड एंड शी वॉज स्टिल हंग्री इवन दो शी हैड ईटन लंच, ठीक है। तो ये कैसा सेंटेंस है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्यों है, कंपाउंड सेंटेंस इसलिए क्योंकि दो इसके अंदर, देखिए कंपाउंड में क्या था कि टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आर जॉइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं इसके अंदर और एक डिपेंडेंट क्लॉज है। तो हमने कौन सा देखा, पद्मिनी वॉज टायर्ड, यू आर टायर्ड, आई एम टायर्ड, और एनीबडी कैन बी टायर्ड, सो इट मेक्स कंप्लीट सेंस। सो दैट क्लॉज इज बेसिकली एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। वो इंडिपेंडेंट क्लॉज इसलिए क्योंकि वो पूरा मीनिंग को कन्वे कर रहा है, इसलिए वो इंडिपेंडेंट है, यानी कि उसे सेंटेंस बनने के लिए, यानी उस क्लॉज को सेंटेंस बनने के लिए वी डोंट नीड टू हैव एनी अदर सपोर्ट, इट इटसेल्फ इज कम्प्लीट। शी वॉज स्टिल हंग्री, ये एक कंजंक्शन से हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को जोड़ दिया, शी वॉज स्टिल हंग्री, ये भी अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस हो सकता है, यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये जो डिपेंडेंट क्लॉज था वो भी जोड़ दिया, तो यहाँ पर हमारे पास अब तीन क्लॉज हैं। एक ये अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लॉज है, पद्मिनी वॉज टायर्ड, सेकेंड शी वॉज स्टिल हंग्री, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज बना के क्या बन गया, एक कंपाउंड सेंटेंस बनता है, लेकिन इसके साथ एक
डिपेंडेंट क्लॉज भी जोड़ दिया, इवन दो शी हैड ईटन लंच, तो ये एक डिपेंडेंट क्लॉज इसमें ऐड करती है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। कॉम्प्लेक्स में हमने क्या देखा था कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा, कंपाउंड में हमने क्या देखा था दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे, लेकिन यदि सेंटेंस बड़ा है तो ऐसा भी हो सकता है कि वो सेंटेंस कैसा हो कि वो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स हो। तो टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जॉइंट बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड वन डिपेंडेंट क्लॉज, तो ये चार तरह के जो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं वो होते हैं। आपको बोले सर कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकता है क्या, कंपाउंड कंपाउंड नहीं हो सकता है क्या, तो जबस्ती बनाने पे तो आएंगे, पद्मनी वाज टायर्ड एंड शी वाज हंग्री एंड शी हैड ईटन लंच, उसे जोड़ते जाएंगे तो बनने को बन जाएगा। बट इफ वी सी लैंग्वेज तो इट डजेंट वर्क लाइक दैट, है ना, वो देखने में भी भद्दा लगता है एंड इट्स लुक्स मोर सॉर्ट ऑफ रेपिटेटिव एंड नॉट वर्दी सॉर्ट ऑफ सेंटेंस। सो टेक्निकली वी सी तो दीज आर द फोर टाइप ऑफ सेंटेंसेस विच वी नीड, दीज आर द फोर स्ट्रक्चर्स विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। अब पहले इसको समझने के लिए जो अभी तक हमने यहाँ पर एक ओवरव्यू लिया कि हमने एक एक एग्जाम्पल उठा के देखा कि कौन से सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, तो सिंपल सेंटेंस यानी कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, कंपाउंड सेंटेंसेस कौन से होते हैं जिनमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होंगे जो कि किसी कंजंक्शन से जुड़े होंगे, तीसरा हमने देखा कॉम्प्लेक्स जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा, फिर चौथा हमने देखा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स जिसमें कम से कम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होंगे और एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा। तो अब बार बार ये वर्ड आ रहा है क्लॉज क्लॉज क्लॉज, तो इसको हम एक बार समझने की कोशिश करते हैं, है ना, उसकी एक छोटी सी समरी को पहले हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि भाई होता क्या है। तो एनीथिंग स्टार्ट्स व्हाट विद द लेटर, है ना, ए बी सी डी ये क्या है, लेटर्स हैं, तो लेटर्स से क्या बनते हैं, लेटर्स को आप साथ में जोड़ना शुरू कर देते हैं तो हमारे को बनते हैं फ्रेजेस, यानी अगर एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स बनाएंगे जिसका मीनिंग तो निकले पर पूरा मीनिंग निकले तो वो क्या बन जाएगा, फ्रेज बन जाएगा, ठीक है, अवॉइड बाय कंप्लाई विद इन द ग्राउंड इनसाइड द कार ऑन द रूफ, ये सब क्या है, फ्रेजेज हैं। तो फ्रेजेज कैन अगेन बी ऑफ मेनी टाइप्स, दे कैन बी फिक्स प्रीपोजिशन फ्रेजेज, दे कैन बी ईडियम्स, दे कैन बी फ्रेजल वर्ब्स, है ना, तो ये फ्रेजेज होते हैं। अब फ्रेजेज क्या है कि भाई एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है उसका कुछ सेंस तो निकल रहा है परंतु पूरा सेंस नहीं निकल रहा है। क्लॉज और फ्रेज में क्या डिफरेंस होता है तो इसको आइए समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि क्लॉज एक बार आपको समझ में आने लग जाएगा तो सेंटेंस स्ट्रक्चर वाला पोर्शन आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा, इट वुड बिकम मोर लाइक अ केक वॉक फॉर यू, ठीक है। तो क्लॉज क्या है, क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इंक्लूड्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, यानी कि कोई भी ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके अंदर सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो, सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो, तो उसको क्या बोलेंगे, क्लॉज बोलेंगे। अब क्लॉज कितने तरीके के होते हैं, बाइफिलेट हम टाइप्स उसके अलग हैं, एडवर्ब क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, नाउन क्लॉज है, वो एक अलग बात है, पर होते कितने प्रकार के हैं अगर इस तरह से बाइफरकेट करेंगे तो दो तरह के होते हैं, एक तो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, इंडिपेंडेंट क्लॉज, और दूसरे डिपेंडेंट क्लॉजेस। तो पहले तो हम देखने की कोशिश करते हैं कि इंडिपेंडेंट क्लॉजेस क्या होते हैं। अ सेंटेंस मस्ट हैव एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, है ना, तो किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए कम से कम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए, एंड इंडिपेंडेंट अभी कम से कम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता क्या है, क्लॉज हमने क्या समझा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक ऐसा शब्दों का समूह जिसमें एक सब्जेक्ट हो यानी एक कर्ता हो और एक क्रिया हो, ऐसा अगर कोई शब्दों का सेंसिबल समूह है तो वो क्लॉज कहलाएगा, ठीक है। अब दो देखें हमने कौन से, एक इंडिपेंडेंट और दूसरा डिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कौन से होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस वो क्लॉजेस होते हैं यानी ये सेंटेंस जिसमें कि इंडिपेंडेंट क्लॉज वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो एक कंप्लीट थॉट बनता है, यानी अपने आप में पूरा वो विचार बन जाता है जब हम उसको साथ में रखते हैं। एग्जाम्पल ही एट ग्रेप्स, कि उसने अंगूर खा लिए, अब यहाँ पे हमारे पास एक सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, है ना, तो क्लॉज है और ये अपने आप में पूरा मीनिंग कन्वे कर रहा है तो कैसा है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। एक अकेला इंडिपेंडेंट क्लॉज है तो हमने पहले भी देखा कि अगर एक अकेला इंडिपेंडेंट क्लॉज है तो वो सेंटेंस का निर्माण कर रहा है, यानी सेंटेंस है वो, और कैसा सेंटेंस बन जा रहा है, वो एक सिंपल सेंटेंस बन जा रहा है। नेक्स्ट देखा था गर्ल रोट एन एसे, है ना, लड़की ने क्या करा, ऐसे लिखा, तो यहाँ पर भी हमारे पास सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। अब ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और यहाँ पर हमने देखने में समझ में आ रहा है कि हाँ ये कंप्लीट सेंटेंस है क्योंकि पूरा मीनिंग जो है वो कन्वे हो रहा है, तो अगेन ये कैसा है कि इंडिपेंडेंट, सिंगल इंडिपेंडेंट, ये भी एक सिंगल इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये भी एक सिंगल इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ऑन वेडनेसडे आई हैड माई एग्जाम, है ना, तो यहाँ पर एक फ्रेज जुड़ा हुआ है, साथ में क्लॉज नहीं है, है ना, आई हैड माई एग्जाम, ये अपने आप में पूरा क्लॉज है, साथ में हमने एक फ्रेज और जोड़ दिया, तो लेकिन ये सेंटेंस कैसा है, सेंटेंस सिंपल ही है क्योंकि इसमें एक ही क्लॉज है, और कौन सा क्लॉज है, अगर अकेला हुआ तो डेफिनेटली वो इंडिपेंडेंट क्लॉज ही होगा, तो ये हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो ये भी सेंटेंस कैसा है,
सिंपल सेंटेंस है, दीज सेंटेंसेज आर कंप्लीट थॉट्स, या फिर पूरे देखेंगे अगर ये तो ये हैं तो छोटे छोटे, लेकिन ये पूरा मीनिंग जो है वो कन्वे कर रहे हैं. विच मीन्स दैट नो मोर इन्फॉर्मेशन इज नीडेड टू अंडरस्टैंड दम कम्प्लीटली. यानी कि ये पूरा यहाँ तक ई एट ग्रेप्स द गर्ल्स रोट एन एस ऑन वेडनेसडे आई हैड माई एग्जाम, ये जो सेंटेंसेज हैं ये कंप्लीट थॉट्स कन्वे कर रहे हैं, इसी वजह से वो सेंटेंस हैं. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इनको कंप्लीट करने के लिए कोई अलग से इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, पूरी बात जो वो कन्वे की गई है वहाँ पे वो हमको समझ में आ रही है. दूसरे देखते हैं हम डिपेंडेंट क्लॉजेस. डिपेंडेंट क्लॉजेस कौन से हैं? डिपेंडेंट क्लॉजेस को सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं, है ना. सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी इनका दूसरा नाम है. तो डिपेंडेंट क्लॉजेस होते क्या हैं बेसिकली? डिपेंडेंट क्लॉजेस आर इनकम्प्लीट थॉट्स, है ना. है तो ये भी क्लॉज, यानी इसमें भी एक सब्जेक्ट भी होगा और एक वर्ब भी होगी, परंतु वो पूरा मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा है. तो जिसके अंदर एक सब्जेक्ट है, एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें एक सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है और पूरा मीनिंग कन्वे कर रहा है, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज. और जिसमें सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है लेकिन वो पूरा मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा, वो क्या है? वो इनकम्प्लीट थॉट है. दे डिपेंड ऑन अ इंडिपेंडेंट क्लॉज इन ऑर्डर फॉर द सेंटेंस टू हैव मीनिंग. यानी कि जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसका नाम ही डिपेंडेंट है, देखिए. तो डिपेंडेंट क्लॉज है वो अपने आप में खुद में अकेला सेंटेंस नहीं बना सकता, उस वो किसी के साथ कंबाइन हो सकता है, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ कंबाइन हो पाएगा तब वो सेंटेंस में उसका कुछ मीनिंग होगा, अदरवाइज उसका मीनिंग कंप्लीट नहीं हो पाएगा, वो इनकम्प्लीट ही रहेगा. डिपेंडेंट क्लॉजेस बिगिन विद अ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन. ज़्यादातर ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होते हैं. व्हेन आई गॉट होम, व्हेन, बिकॉज, हुम, ये सब क्या है? इनसे स्टार्ट होंगे. तो ये पूरा नहीं मालूम है, व्हेन आई गॉट होम, है ना. तो यहाँ पे सब कुछ है हमारे पास. देखिए, ये एक हमारे पास सब्जेक्ट भी आए, यहाँ पे हमारे पास वर्ड भी है, साथ में ऑब्जेक्ट भी लगा, बट अगेन ये कंप्लीट नहीं है. कंप्लीट नहीं है मतलब इसका मीनिंग जो आ रहा है कंप्लीट नहीं है. व्हेन आई गॉट होम, जब मैं घर पहुँचा, तो जब मैं घर पहुँचा अपने आप में एक वाक्य नहीं है. वो क्लॉज तो है परंतु वो अपने आप में वाक्य नहीं है, क्योंकि बात समझ आई, जब मैं घर पहुँचा तब क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, है ना. सो उसके आगे वो क्वेश्चन ही रेज कर रहा है. तो जब तक उस क्वेश्चन को या तो क्वेश्चन की तरह नहीं पूछेगा या तो उसका आंसर नहीं देगा वहाँ पे, तो वो कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा है. बिकॉज द मार्केट वॉज क्लोज्ड, है ना, क्योंकि बाजार बंद था. तो क्योंकि बाजार बंद था, मैं बाजार भी आ गया और बंद होने का काम भी आ गया, यानी कि मार्केट ही अपने पास सब्जेक्ट भी आ गया और वर्ब भी है. तो वो क्लॉज तो है लेकिन वो कंप्लीट थॉट को नहीं कन्वे कर रहा है, क्योंकि सर बिकॉज द मार्केट वॉज क्लोज. तो क्या हो गया भैया कि मार्केट क्लोज था, तो वट हैपेंड बिकॉज इट वॉज क्लोज, तो उसके मतलब बंद होने की, क्योंकि बाजार बंद था, तो क्योंकि बाजार बंद था तो इस वजह से क्या हुआ, बाजार बंद होने से क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, ये यहाँ पर मीनिंग कंप्लीट कन्वे नहीं कर रहा है. तो कैसा है, एक डिपेंडेंट क्लॉज है, इस वजह से ये एक डिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगा. हुम आई रिस्पेक्ट वेरी मच, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ. तो जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, तो ये मीनिंग पूरा कन्वे नहीं है. जिनकी मतलब किन की, हुम कौन है, किन के बारे में बात हो रही है? भाई मैं आपकी इज्जत करता हूँ, कि मैंने दी जी की इज्जत करता हूँ, कि सर हम आपकी इज्जत करते हैं, कि मैं उमा जी की इज्जत करता हूँ, मनोज जी की इज्जत करता हूँ, सिमरन की इज्जत करता हूँ, है ना. तो यहाँ पर अगर किसी का नाम लिखा होता है या आई की जगह आई रिस्पेक्ट वेरी मच या आई रिस्पेक्ट हिम वेरी मच, तो वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाता. पर यहाँ पर क्योंकि आपने उसे वो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ही स्टार्ट हो रहा है, तो इस वजह से इसका मीनिंग पूरा कन्वे नहीं हो रहा. हूँ मैं जिनकी मैं इज्जत करता हूँ, तो जब तक नहीं मालूम पड़ा किन की इज्जत करते हैं, तो वो पूरा मीनिंग कन्वे नहीं हो रहा. इस वजह से कैसा है, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है. एज यू कैन सी मोर इन्फॉर्मेशन इज नीडेड. तो इतना अभी तक ये जो लास्ट के जो हमने सेंटेंसेस तो नहीं बोलेंगे, जो डिपेंडेंट क्लॉजेस हैं उनको देख के समझ में आएगा कि हमें और जानकारी की जरूरत है जिससे कि ये एक कंप्लीट सेंटेंस बन सके. तो अब ये कंप्लीट कब हो पाएगा? ये कंप्लीट तब हो पाएगा व्हेन वी नीड टू ऐड एन इंडिपेंडेंट क्लॉज. यानी हम जब ये डिपेंडेंट क्लॉज के साथ इंडिपेंडेंट क्लॉज को ऐड करेंगे, तब वो जाके कंप्लीट सेंटेंस बनेगा. कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे हम इस चीज़ को और थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं. हियर द एग्जांपल्स अगेन, बट रिटन एज कंप्लीट सेंटेंसेस नोन एज कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. अब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्यों हुए? क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कब हो जाएगा, जब एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा. तो अभी हमने अलग से देख लिए, पहले तो हमने सबके एग्जाम्पल देखे, उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या देखा कि डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज अलग अलग करके भी देखे हमने. तो इंडिपेंडेंट क्लॉज में हमें मालूम पड़ा कि वो सेंटेंस बन रहा है, परंतु जो डिपेंडेंट क्लॉज हमने देखे तो वो सेंटेंस नहीं बन रहा. तो वो डिपेंडेंट क्लॉज वाले का यदि पूरा में सेंटेंस बनाना है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो
एड उसमें करना पड़ेगा, तब जाके वो एक कंप्लीट सेंटेंस बनेगा। और जो वो कंप्लीट सेंटेंस बनेगा तो एक ऐसा सेंटेंस बनेगा कि एक डिपेंडेंट क्लॉज है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो दो इस तरह के क्लॉजेस मिलाकर जो सेंटेंस बनते हैं वो कौन से सेंटेंसेस होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं। तो आई कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट व्हेन आई गॉट होम, अभी हमने लास्ट क्या देखा था, व्हेन आई गॉट होम, है ना। तो ये क्या था, एक डिपेंडेंट क्लॉज था। अब इसके आगे हमने देखा तो क्या देखा, आई कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट व्हेन आई गॉट होम, कि मैंने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया जब मैं घर पहुंचा। तो आई कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, ये क्या है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और साथ में क्या जुड़ा हुआ है, एक डिपेंडेंट क्लॉज जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, ये हमने पहले क्या देखा था कि बिकॉज द मार्केट वॉज क्लोज, तो बिकॉज द मार्केट वॉज क्लोज ये क्या था, एक डिपेंडेंट क्लॉज था, इसके साथ मैंने एक इंडिपेंडेंट क्लॉज जोड़ दिया, वी कुडंट शॉप, है ना, हम शॉपिंग नहीं कर पाए, हम शॉपिंग नहीं कर पाए इस वजह से, क्योंकि क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि मार्केट जो क्लोज था। तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ एक डिपेंडेंट क्लॉज जोड़ते ही एक सेंटेंस बन गया, ये दूसरा सेंटेंस बन गया, जो कि कौन सा सेंटेंस है, वो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। द कंपनीज ओनर इज आशीष कौशल हुम आई रिस्पेक्ट वेरी मच, ठीक है। तो द कंपनीज ओनर इज आशीष कौशल, ये यहाँ तक अगर मैं यहाँ पे फुल स्टॉप भी लगा देता हूँ, तो क्योंकि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है तो कैसा सेंटेंस हो जाएगा, वो एक सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। लेकिन इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ मैंने क्या जोड़ दिया, कि यहाँ पर एक डिपेंडेंट क्लॉज और जोड़ दिया, तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज, तो अब ये कैसे सेंटेंसेस बन गए, ये सेंटेंसेस बन गए कॉम्प्लेक्स्ड सेंटेंसेस बन गए, ठीक है। अब इतनी बात अगर हमें समझ में आ रही हो, तो पहले हम सारे स्ट्रक्चर्स को एक बार देखने की कोशिश करते हैं। आई एम ऑडिबल, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को, हेलो, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, यहाँ तक बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो नाउ यू अंडरस्टैंड दैट वी कैन लुक एट फोर डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। तो पहले हम पहला स्ट्रक्चर देखते हैं सिंपल सेंटेंस का, है ना। पहले स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्लॉज हमें मालूम है कि भैया एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें एक सब्जेक्ट है, जिसमें एक वर्ब है, और ये पूरा थॉट बनाता है, यानी कि पूरी बात जो है, पूरी बात समझ में आ रही है। इसके हमने एग्जाम्पल हम ऑलरेडी देख चुके, तीन एग्जाम्पल लिए थे हमने, पद्मिनी एट डिनर, द गर्ल रोट एन एसे ऑन वेडनेसडे, आई हैड माय एग्जाम, ठीक। अब स्ट्रक्चर टू, कंपाउंड सेंटेंसेस। कंपाउंड सेंटेंसेस कैसे हैं, कि ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस से बने जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ जोड़े जाते हैं। अब ज्यादातर जो यूज किए जाते हैं बट एंड सो और, लेकिन बेसिकली देखेंगे तो सात तरह के कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं इंग्लिश में, फॉर एंड नॉर बट और येट सो। तो इनसे जिन सेंटेंसेस को, यानी कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़कर यही यूज होते हैं, अगर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं तो ये सात तरह के कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज किया जाता है। ज्यादातर में से बट एंड सो और का यूज किया जाता है, लेकिन येट का भी यूज किया जा सकता है, नॉर का भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो इनसे हम यूज करके दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ेंगे तो हम क्या बना लेंगे, हम कंपाउंड सेंटेंस बना लेंगे, ठीक है। अब ये इसको और डिटेल में देखिए, तो क्या कि हमने एक इंडिपेंडेंट क्लॉज लिया, एक हमने एक इधर भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज लिया, इधर भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज लिया, और ये हमने कौन सा यूज़ किया, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ किया, शी एट डिनर बट शी वॉज स्टिल हंग्री। तो ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है, यानी यहाँ मैं फुल स्टॉप लगा दूँ तो ये भी सेंटेंस बन सकता है, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दूँ तो ये भी सेंटेंस बन सकता है अपने आप, लेकिन वो कैसा सेंटेंस बनेगा, वो सिंपल सेंटेंस बनेगा। बट जैसे ही मैंने ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा के दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ दिया तो सेंटेंस कैसा बन गया, वो कंपाउंड सेंटेंस बन गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, ही सैट डाउन, ये भी अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस हो सकता है, सिंपल सेंटेंस बनेगा। ही रेड अ बुक, ये भी कैसा होगा, सिंपल सेंटेंस बनेगा क्योंकि इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इनको एंड से जोड़ दिया तो ये क्या बन गए, ये कंप्लीट इसे पढ़ेंगे पूरा तो ये एक कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। इट वॉज रेनी, है ना, यहाँ फुल स्टॉप लगा देंगे तो ये सिंपल सेंटेंस हो जाएगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज है ये। वी स्टेड इनसाइड, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है तो अपने आप में एक सिंपल सेंटेंस है, लेकिन इन्हें मैंने सो से जोड़ दिया तो क्या बन गया, ये कंपाउंड सेंटेंस बन गया। वी कैन ऑर्डर फूड, वी कैन मेक खिचड़ी एट होम, देखिए वी कैन ऑर्डर फूड, फुल स्टॉप लगा देते हैं यहाँ पे तो क्या हो गया, ये सिंपल सेंटेंस हो गया। वी कैन मेक खिचड़ी एट होम, तो ये क्या हो गया, ये भी अपने आप में सिंपल सेंटेंस हो गया, लेकिन जैसे ही मैंने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और का यूज़ किया तो वी कैन ऑर्डर फूड और वी कैन मेक खिचड़ी एट होम, तो ये क्या बन गया, ये कंपाउंड सेंटेंस बन गया। तो ये सारे जो
एग्जाम्पल्स हैं वो किस चीज़ के एग्जाम्पल्स हैं कि इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को यदि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ा जाए तो क्या बन जाते हैं, वो कंपाउंड सेंटेंसेस बन जाते हैं, है ना। अब तीसरे स्ट्रक्चर पे चलते हैं। तीसरा स्ट्रक्चर हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज़ अ डिपेंडेंट क्लॉज एंड एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। इनिशियली हम देख चुके हैं एक बार, तो अभी मुझे लगता है कि अब बात धीरे धीरे समझ में आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। कंपाउंड में क्या था कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस थे, तो यहाँ पे डिपेंडेंट क्लॉज भी है और इंडिपेंडेंट क्लॉज भी है। द डिपेंडेंट क्लॉज कैन कम एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस और एट द एंड। ये एक बात आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखने की जरूरत है कि जो डिपेंडेंट क्लॉज है तो उसकी लोकेशन जो है वो फिक्स नहीं, उसकी पोजिशनिंग जो है वो फिक्स नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ लोग ऐसे पहचानने कुछ करें, अच्छा शुरू ही उससे होता है क्या, तो उसकी प्लेसमेंट कहीं भी हो सकती है सेंटेंस में, उसके मीनिंग को चेंज नहीं करता, बशर्ते उसका स्ट्रक्चर जो है ठीक होना चाहिए। शी फेल अस्लीप बिकॉज शी वॉज टायर्ड। तो यहाँ पे देखिए, शी फेल अस्लीप, अगर यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दूँ तो कैसा है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस हो जाता। लेकिन इसके साथ मैंने क्या जोड़ दिया, एक डिपेंडेंट क्लॉज। अब बिकॉज शी वॉज टायर्ड लगा, अगर ये खाली शी वॉज टायर्ड होता तो ये भी एक सिंपल सेंटेंस हो जाता, इंडिपेंडेंट क्लॉज होता, परंतु यहाँ पे बिकॉज लगा हुआ है तो बिकॉज शी वॉज टायर्ड ये क्या है, एक डिपेंडेंट क्लॉज है। लेकिन इसकी प्लेसमेंट मैं कहीं भी कर सकता हूँ, है ना, इसकी प्लेसमेंट कहीं भी कर सकता हूँ, मतलब शी फेल अस्लीप बिकॉज शी वॉज टायर्ड फुल स्टॉप। तो ये एक डिपेंडेंट क्लॉज, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज बन क्या गया, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। इसको मैं चाहूँ तो आगे उठा के भी ला सकता हूँ, यानी इसकी पोजिशनिंग जो है फ्रंट में भी कर सकता हूँ, बिकॉज शी वॉज टायर्ड शी फेल अस्लीप, ठीक है। सेंटेंस के मीनिंग में कुछ भी चेंज नहीं आएगा, बस इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि आप डिपेंडेंट क्लॉज पहले लगा रहे हैं तो फिर आपको वो डिपेंडेंट क्लॉज खत्म होने पर आपको एक कॉमा लगाना पड़ेगा, है ना। देखिए अब दोनों में देखिए हल्का सा स्लाइड जो डिफरेंस है, इनकी पोजिशनिंग चेंज होने के अलावा तो जो इकलौता डिफरेंस है कि पहला वाला जो सेंटेंस है उसमें कहीं कोई कॉमा नहीं है क्योंकि कॉमा की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो शी फेल अस्लीप बिकॉज शी वॉज टायर्ड। लेकिन अगर आपने डिपेंडेंट क्लॉज को पहले रखा तो बिकॉज शी वॉज टायर्ड, तब यहाँ पे आपको एक कॉमा लगाना पड़ेगा, शी फेल अस्लीप, तभी उसका सही अर्थ निकलेगा और उसका स्ट्रक्चर जो है वो सही कहलाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आई विल कॉल यू इफ आई गो, ठीक है, मैं आपको कॉल करूंगा यदि मैं गया तो। तो आई विल कॉल यू तो अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो कैसा है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। यहाँ तक अगर सिर्फ यहीं तक फुल स्टॉप लगा देते तो कैसा हो जाता, वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और सिंपल सेंटेंस हो जाता। लेकिन मैंने इफ आई गो सॉरी इफ आई गो, तो इफ आई गो लगाती क्या हो गया, मैंने एक डिपेंडेंट क्लॉज उसके साथ और जोड़ दिया। क्लॉज क्यों है वो, क्योंकि उसमें आई भी है और गो भी है, सब्जेक्ट भी है मेरे पास और वर्ब भी है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसके अंदर एक सब्जेक्ट और वर्ब हो तो बनता क्या है, वो क्लॉज बन जाता है। लेकिन इफ आई गो अकेले का कोई संपूर्ण अर्थ नहीं निकलता, क्योंकि संपूर्ण अर्थ नहीं निकल पा रहा। क्यों नहीं निकल पा रहा संपूर्ण अर्थ, क्योंकि वो डिपेंडेंट है किसी चीज़ के ऊपर, उसके अंदर कंडीशनिंग डली हुई है तो वो डिपेंडेंट है। तो इसको मैं चाहूँ तो इसकी प्लेसमेंट आगे भी रख सकता हूँ, यानी कि ये इफ आई गो जो पीछे लिखा हुआ है इसको मैं कहाँ ले जा सकता हूँ, इसको मैं आगे भी ले जा सकता हूँ। लेकिन जैसे ही यदि मैं इफ आई गो को आगे लेके जाता हूँ तो फिर क्या होगा, यहाँ पर मुझे क्या लगाना पड़ेगा, मुझे कॉमा लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये भी एक समझने की बात है कि एडजेक्टिव क्लॉज की, एन एडजेक्टिव क्लॉज ऑल्सो नोन एज रिलेटिव क्लॉज इज ऑल्सो कंसिडर्ड ए डिपेंडेंट क्लॉज एज वेल, ठीक है। तो जो एडजेक्टिव क्लॉज, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, एडजेक्टिव क्लॉजेज, एडवर्ब क्लॉजेज, नाउन क्लॉजेज। तो एडजेक्टिव क्लॉज है उसको रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं उसको, क्योंकि ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है और इनके स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, वेयर विच इनके अंदर एडेड होता है। तो वो एडजेक्टिव क्लॉज भी पहचानने की एक ट्रिक भी है आपके लिए ये, और धीरे धीरे जैसे आप इसके अंदर उतरते जाओगे तो आपको और क्लियरली दिखने लगेगा कि ये एक क्या है, एक एडजेक्टिव क्लॉज है। दिस इज अ स्टोर वेयर आई बॉट माई जैकेट, है ना। तो वेयर आई बॉट माई जैकेट ये कैसा है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। ये कैसा है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इंदौर विच इज इन मध्य प्रदेश इज अ ब्यूटिफुल सिटी, है ना। तो ये देखिए, अब मैंने क्या बोला था, देखिए यहाँ पे इसकी प्लेसमेंट लास्ट में भी हो सकती है, इसकी प्लेसमेंट इनिशियली भी हो सकती है, सेंटेंस ओपनर भी हो सकता है वो, और बीच में भी हो सकती है, यानी क्लॉज का उसको सेंटेंस को बहुत तरीके से सेंटेंस बनाने के। देखिए अगर मैं इसको बीच में से हटा देता हूँ, विच इज़ इन मध्य प्रदेश, विच इज़ इन जो कि मध्य प्रदेश में है, तो अब यहाँ पे क्या है, वर्ब भी है और सब्जेक्ट भी है, तो है तो क्लॉज ये, लेकिन कौन सा क्लॉज है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। इसको मैं यहाँ से बीच में से हटा दूँ तो क्या क्या बन जाएगा सेंटेंस, कॉमा हटाते, इंदौर इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी।
तो इंदौर इज अ ब्यूटीफुल सिटी, यहाँ पे सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। तो इंदौर इज अ ब्यूटीफुल सिटी कैसा सेंटेंस है? एक सिंपल सेंटेंस है, ठीक है? ये सिंपल सेंटेंस है, और ये सिंपल सेंटेंस में मैंने क्या किया, एक यानी कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज में एक डिपेंडेंट क्लॉज भी जोड़ दिया। और ये क्या कर रहा है काम यहाँ पे, ये क्लॉज डिपेंडेंट तो है, लेकिन ये कौन सा वाला क्लॉज है, ये एडजेक्टिव क्लॉज है। आप ढंग से देखेंगे तो ये जो ये स्टोर की विशेषता बता रहा है, ये स्टोर के बारे में बता रहा है ना? ये जो विच इज इन मध्य प्रदेश, ये किसके बारे में बता रहा है, ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। तो जो सब्जेक्ट के बारे में बताएगा, अगर कोई सिंगल वर्ड होता सब्जेक्ट के बारे में बताता तो क्या बन जाता है वो? अगर सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, कोई नाउन के बारे में, अगर नाउन की कोई क्वालिटी बता रहा है, तो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच बन जाएगा वो? अरे बोलो कुछ, एडजेक्टिव बन जाएगा, है ना? तो अगर एक वर्ड होता वो सब्जेक्ट की विशेषता बता रहा था तो एडजेक्टिव बन जाएगा। और यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि अपने आप में पूरा इंडिपेंडेंट सेंटेंस तो नहीं है, लेकिन उसके अंदर खुद के अंदर एक नाउन भी है, यानी एक सब्जेक्ट भी है और एक वर्ब भी है, लेकिन वो पूरा मिला के वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स का काम कर रहा है। वो उसका एडिशन ही इसलिए किया गया है ताकि वो एक किसी सब्जेक्ट की विशेषता बता सके। तो ये क्या बन गया, ये है तो क्लॉज, क्लॉज में कौन सा क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज, लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज में भी कौन सा है, यस दैट्स वाई वाई वी कैन इजिली रिकग्नाइज इट दैट इट इज एन एडजेक्टिव क्लॉज, की एडजेक्टिव क्लॉज है ना? विच इज इन मध्य प्रदेश, तो इंदौर की विशेषता बता रहा है यहाँ पे वाला क्लॉज, तो क्या है ये, एक डिपेंडेंट क्लॉज तो है, लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज में भी कौन सा क्लॉज है, ये एडजेक्टिव क्लॉज है। स्ट्रक्चर नंबर 4 देखते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 4, अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में फॉलोइंग चीजें होती हैं, कौन कौन सी, टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस ज्वाइंड बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यानी कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होने चाहिए कम से कम और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होंगे, और एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं, एग्जाम्पल्स देखने से आपको और क्लैरिटी आएगी। तो द एग्जाम्पल्स आर द डिपेंडेंट क्लॉज कैन बी एनीवेयर इन द सेंटेंस, हियर आर सम एग्जाम्पल्स। ये हमने पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि डिपेंडेंट क्लॉज कहीं पर उसकी पोजिशनिंग चेंज की जा सकती है, लेकिन उसे आप इनिशियली स्टार्टिंग में लगाएंगे तो आपको कॉमा लगाना पड़ेगा, ठीक है? लास्ट में लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो मिड में भी आएगा तब भी कॉमा लगेगा। एग्जाम्पल से देखेंगे तो और समझ में आएगा। शी टुक आउट हर अम्ब्रेला बिकॉज इट वॉज रेनिंग, यहाँ पे जो हाईलाइटेड है दैट इज अ डिपेंडेंट क्लॉज। दीज टू आर वॉट, दीज टू आर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, सिंपल सेंटेंसेज हैं ये दो। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन देखिए, एंड यूज यू आए यहाँ पे, उससे जुड़े हुए हैं। शी टुक आउट हर अम्ब्रेला, ये अपने आप में एक सिंपल सेंटेंस कंप्लीट है। शी वॉकड होम, ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। बिकॉज इट वॉज रेनिंग, ना बिकॉज इट वॉज रेनिंग क्या है ये, आप यहां पर इट भी है हमारे पास और रेनिंग भी है, तो क्लॉज तो है, लेकिन कौन सा क्लॉज है, वो डिपेंडेंट क्लॉज है। तो उसके पोजिशनिंग कहाँ है उसकी, उसकी पोजिशनिंग बीच में है, मिडल ऑफ सेंटेंस है, और यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज से, फिर एक डिपेंडेंट क्लॉज है, फिर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो ये क्या बन गया, ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आई डोंट लाइक एक्सरसाइजिंग, ओके, ये देखेंगे तो ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस, तो कौन सा क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आई विल डू इट, है ना, ये अपने आप में कैसा है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, कंप्लीट है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बट से इन दोनों को जोड़ा हुआ है। इफ आई हैव टू, ठीक है, तो अब ये इफ आई हैव टू क्या है, एक मीनिंग इसका पूरा निकल रहा है, क्योंकि कंडीशन डाल दी, कंडीशन बताई नहीं है, तो इसलिए मीनिंग पूरा निकलेगा नहीं, लेकिन सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, तो क्या बन गया, वो क्लॉज तो बन गया, लेकिन कौन सा क्लॉज बन गया, वो एक डिपेंडेंट क्लॉज बन गया। तो यहाँ पर कैसी पोजिशन है, पहले कैसी थी कि पहले एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, फिर एक डिपेंडेंट क्लॉज, और देन अगेन एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। यहाँ पर कैसा है, आई डोंट लाइक एक्सरसाइजिंग, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, फिर सेकेंड दूसरा भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज ज्वाइंट बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, लास्ट में एक डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। आई डोंट लाइक एक्सरसाइजिंग बट आई विल डू इट इफ आई हैव टू। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द मैन हु वॉज ऑन द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट वेव्ड सो आई लुक्ड एट हिम, ठीक। अब यहां पर कौन बताएगा कि ये यहां पर फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है, एनीबडी, फास्ट, हां जी, हेलो, एम आई ऑडिबल, आई लुक डेट हिम, ओके, आई लुक डेट हिम, वेरी नाइस, आई लुक डेट हिम इज इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। फर्स्ट कौन सा बेटा, फर्स्ट वाला कौन सा है, फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है,
देखिए फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा, देखिए अभी तक तो आप, हाँ जी बेटा द मैन, ये देखिए द मैन है, आप इसको देखिए हाईलाइट किया हुआ, ये तो पहले ही मैंने बता रखा है कि कैसा है ये डिपेंडेंट क्लॉज है। तो फर्स्ट, हाँ बोलो मनोज। नहीं, देखो समझो इस बात को, मैंने पहले भी बताया था, मैं फिर आपको बता देता हूँ कि जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो, ये साउंड ही को हो रहा है, प्लीज किसी को म्यूट कर लो अगर कोई। हाँ बेटा म्यूट कर लो तो। हाँ जी हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ आपको, इसको म्यूट म्यूट कर लो मनोज आप, है ना। देखिए जो फर्स्ट जो यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो है द मैन वेव्ड, है ना। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसकी सेटिंग सेंटेंस में कहीं भी आ सकती है, उसकी सेंटेंस, उससे सेंटेंस इनिशिएट भी हो सकता है, उससे सेंटेंस एंड भी हो सकता है, वो सेंटेंस के मिड में भी आ सकता है, और वो किसी इंडिपेंडेंट क्लॉज के मिड में भी आ सकता है, ठीक है। द मैन हु वॉज ऑन द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट, ठीक है। तो ये देखिए ये जो सारा जो लिखा हुआ है, हु वॉज ऑन द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट, जो कि रोड के दूसरी तरफ था, अब जो कि रोड के दूसरी तरफ था, तो ये इसमें यहाँ पे हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास सब्जेक्ट भी है, हमारे पास वर्ब भी है, तो क्लॉज तो है वो, लेकिन जो कि रोड के दूसरी तरफ था तो वो पूरा सेंस नहीं दे रहा, यानी क्या है वो एक डिपेंडेंट क्लॉज है। यहाँ पे जो फर्स्ट जो हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो कौन सा है, द मैन वेव्ड, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये मैन की खासियत बनता नहीं थी, है ना, ये पूरा सेंटेंस, इसको सेंटेंस यदि आप इसका हिंदी रूपांतरण करें तो वह आदमी जो कि रोड पे दूसरी तरफ खड़ा था उसने वेव किया, इसलिए मैंने उसको देखा, है ना भाई। रोड, आप रोड के एक तरफ खड़े, कोई दूसरा व्यक्ति रोड के दूसरी तरफ खड़ा है, तो वो आदमी जो कि रोड के दूसरी तरफ था उसने हाथ से इशारा किया, तो मैंने मतलब मेरा ध्यान उसकी तरफ चला गया, इसलिए मैंने उसको देखा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो कौन सा है, द मैन वेव्ड, ये कौन सा है। अब ये किसकी, ये किसका एलैबोरेशन कर रहा है, ये किसके बारे में बता रहा है, हु वॉज ऑन द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट, ये किसके बारे में बताया जा रहा है, मैन के बारे में बताया जा रहा है ना। तो मैन जो, हाँ मैन के बारे में बताया जा रहा है। तो ये जो पूरा जो डिपेंडेंट क्लॉज, भाई इंडिपेंडेंट तो है ही नहीं, जो कि रोड के दूसरी तरफ था, तो ये जो विवरण है, विस्तृत विवरण, वो किसका है, वो उस मैन का है। तो ये कौन सा क्लॉज है ये वाला, तो डिपेंडेंट तो है ही है, साथ में हमें ये भी मालूम पड़ जाएगा कि ये रिलेटिव क्लॉज है, यानी कि ये एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो द मैन वेव्ड है, ये फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्लॉज द मैन वेव्ड है, उसके बीच में एंट्री काहे की दी हुई है, उसके बीच में ही एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि एडजेक्टिव क्लॉज जनरली किसी का विवरण देने के लिए आएगा ना, और किसका विवरण देगा, वो सब्जेक्ट का ही देगा, नाउन का ही देगा या प्रोनाउन का ही देगा। तो ये पूरा जो है उसका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है, किसका, मैन का, कौन सा आदमी था वो जिसने इशारा किया, वो आदमी था जिसने जो रोड के दूसरी तरफ खड़ा हुआ था। सो आई लुक्ड एट हिम, देखिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यहाँ पे यूज़ किया, और आई लुक्ड एट हिम, ये क्या हो गया, ये आपका दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। दो हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, द मैन वेव्ड और दूसरा आई लुक्ड एट हिम, और इसके बीच में क्या है हमारे पास, इसके बीच में यानी फर्स्ट क्लॉज के एंट्री में ही क्या है, हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज है। और बीच में क्यों आ सकता है, बीच में इसलिए आ सकता है, बीच वैसे तो कहीं भी आ सकता है, लेकिन ये एक क्लॉज के बीच में भी क्यों आ सकता है, क्योंकि ये रिलेटिव क्लॉज है, क्योंकि उसकी वो विशेषता बता रहा है, ठीक है। अब गाइस कुछ एक्सरसाइजेज हैं, तो एक्सरसाइजेज अभी इसको आप कैसे नोट करेंगे, तो आई विल, व्हाट आई विल डू इज आई विल शेयर विद यू, गिव मी 5 मिनट्स एंड मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेज अभी शेयर कर रहा हूँ, और उन एक्सरसाइज में आप इनमें आइडेंटिफाई करके बताइएगा कि कौन कौन से टाइप ऑफ सेंटेंसेज हैं, कौन कौन से टाइप ऑफ सेंटेंसेज है, का मतलब कि आप इनमें पहचान पा रहे हैं, नहीं पहचान पा रहे हैं कि ये वो है या नहीं है। तो आप चाहें वी कैन डू इट राइट नाउ, अभी कर लेते हैं, अभी हाथ क्या, अभी ताज़ा ताज़ा है तो मालूम ही पड़ जाएगा। प्लीज़ आप ये जिसने भी इसका, जिसका माइक ऑन है उसको आप ऑफ कर दीजिए, या तो म्यूट कर लीजिए खुद को। सो शैल वी स्टार्ट, या आप इसे आप आराम से करना चाहेंगे कि आप इसे बाद में डिस्कस करेंगे। ग्रेट,
चलिए विल गो विद द फर्स्ट सेंटेंस, जिसको आंसर देना हो तो वो खुद को आप अनम्यूट करना, अपनी बात खत्म होने के बाद खुद को म्यूट कर लेना, तो इको नहीं आएगा, है ना, ये डबल जो वॉइस आ रही है वो उसी वजह से आ रही है। ओके, द मैन स्माइल्ड एंड लव्ड, कौन सा है? इंडिपेंडेंट तो है। हेलो, हाँ जी ठीक है, मैं क्लास क्लास के बाद बात करते, है ना। तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो सेंटेंस का टाइप कौन सा है? क्यों कंपाउंड क्यों लग रहा है सेंटेंस ये? कौन बोल रहा कंपाउंड है? हेलो उमा, आप बोल रहे हो कंपाउंड है? ठीक है, अब देखिए एक तो यहां तक हो गया द मैन स्माइल, तो ये इंडिपेंडेंट हो गया। अब ये एंड लाफ्ड बचा हमारे पास, तो एंड लाफ्ड क्या एक क्लॉज है ना? एंड लाफ्ड बेटा क्लॉज तो नहीं है। क्लॉज क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें क्या होना चाहिए, क्लॉज होने की कंडीशन क्या है कि उसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होनी चाहिए, तो वर्ब तो दिख रही है मुझे लाफ्ड, परंतु वहां पे मुझे कोई क्लॉज दिख रहा है क्या, मतलब कोई सब्जेक्ट दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, तो कौन सा हो गया? ये सिंपल सेंटेंस है, ये है ना, सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट, द मैन स्माइल्ड बट आई डिड नॉट नो व्हाई। कंपाउंड सेंटेंस है, वेरी नाइस, है ना। द मैन स्माइल्ड ये अपने आप में क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आई डिड नॉट नो व्हाई ये अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लॉज है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, तो क्या है ये एक कंपाउंड सेंटेंस है। गुड, थर्ड, व्हेन द कैट इज अवे द माइस विल प्ले। कंपाउंड क्यों है अगर आप कंपाउंड बता रहे तो? कौन सा है, कंपाउंड है कि कॉम्प्लेक्स है? यस, वेरी नाइस, है ना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ये, लेकिन इसमें कौन सा इंडिपेंडेंट क्लॉज है और कौन सा डिपेंडेंट क्लॉज है? द माइस विल प्ले क्या है, ये इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट क्लॉज है? एक व्यक्ति बोलिए कोई भी, क्लियर? द माइस विल प्ले क्या है, इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट है, राइट, है ना, गुड, ये इंडिपेंडेंट है। द माइस विल प्ले इंडिपेंडेंट है, व्हेन द कैट इज अवे क्या है, एक डिपेंडेंट क्लॉज है। तो कौन सा सेंटेंस हो गया, एक डिपेंडेंट है एक इंडिपेंडेंट है, तो यस, वेरी नाइस, द आंसर इज नॉट नोन। यस, वेरी नाइस, यस, सिंपल दिख ही रहा है, वो सिंपल है। ठीक है, सबसे इजी है कि आंसर इज नॉट नोन, तो वैसे भी सेंटेंस मतलब टेक्निकली भी सिंपल है, वैसे भी सिंपल है, आई डोंट नो। चलिए नेक्स्ट, इफ पीपल वुड लाइक टू ज्वाइन द क्लास दे कैन कॉल ऑन 8959229259 और दे कैन ईमेल एट जीत सिंह फॉर ऑल एट द रेट gmail.com। तो ये कौन सा सेंटेंस है ये? एक व्यक्ति बोलिए कोई भी, क्लियर? बाकी सब लोग जितनी देर बोलते हैं उतनी देर ही आप अनम्यूट करें, अदरवाइज। हाँ जी बोलिए, कंपाउंड सेंटेंस है, तो कंपाउंड सेंटेंस में तो दो क्या होने चाहिए, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होने चाहिए, तो यहां पे पहले तो ये बताओ क्लॉज कितने हैं इसके अंदर।
तीन क्लॉज हैं, ग्रेट, बताइए कौन कौन से। वेरी नाइस, है ना। इफ पीपल वुड लाइक टू ज्वाइन द क्लास, हाँ रुको एक मिनट, इफ पीपल वुड लाइक टू ज्वाइन द क्लास, तो ये ठीक है, मुझे समझ में आ रहा है कि क्लॉज है ये, तो कौन सा क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज है। डिपेंडेंट क्लॉज है, वेरी नाइस, ठीक है, एक हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है सॉरी। उसके बाद दे कैन कॉल ऑन 8959229259, तो ये कैसा है, ये भी यहां तक एक क्लॉज हो गया, तो ये कैसा है, डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। दे कैन ई मेल एट जीत सिंह फॉर ऑल एट द रेट जी मेल डॉट कॉम, तो ये कैसा है, डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। तो मेरे पास दे कैन कॉल ऑन 8959229259, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। फिर मेरे पास दे कैन ई मेल एट जीत सिंह फॉर ऑल एट द रेट जी मेल डॉट कॉम, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। एंड इफ पीपल वुड लाइक टू ज्वाइन द क्लास, ये एक कैसा क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है। तो इस सेंटेंस में एक मेरे पास डिपेंडेंट क्लॉज है और दो मेरे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो कौन सा टाइप का सेंटेंस हो जाएगा ये। यस यस, प्राउड ऑफ यू, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है बेटा ये, है ना। कैसा सेंटेंस है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट एग्जाम्पल। शी आस्क्ड मी अ क्वेश्चन सो आई आंसर्ड, शी आस्क्ड मी अ क्वेश्चन सो आई आंसर्ड, तो ये कैसा सेंटेंस है। बताइए कैसा है ये, कंपाउंड, वेरी नाइस, है ना। शी आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, ये यहां तक अपने आप में क्या है हमारे पास, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आई आंसर्ड, यहां पे ये सब्जेक्ट हो गया, मेरे पास वर्ब भी है और ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को बना के क्या बनाए, ये एक कंपाउंड सेंटेंस बनाए। आई ई मेल द कंपनी एंड दे रिस्पॉन्डेड इमीडिएटली विच सरप्राइज मी, कोशिश कीजिए। हाँ जी, यस यस, वेरी नाइस, कैन एनीबडी इलैबोरेट, कौन कौन से, अब कंपाउंड पहले तो बताइए, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में क्या क्या होने की जरूरत है। ओके, दे रिस्पॉन्डेड इमीडिएटली, दैट इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, वेरी नाइस। विच सरप्राइज्ड मी, डिपेंडेंट, सो वन आई मेल द कंपनी इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, दे रिस्पॉन्डेड इमीडिएटली जॉइंड बाय अ कोऑर्डिनेशन, अगेन इट इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। नाउ द थर्ड क्लॉज विच वी हैव इज विच सरप्राइज मी, सो इट इज अ क्लॉज बट इट इज नॉट इंडिपेंडेंट, इज इट अ डिपेंडेंट क्लॉज। सो टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आर देयर एंड वन डिपेंडेंट क्लॉज इज देयर, सो विच टाइप ऑफ सेंटेंस इट फॉर्म्स। प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू, गुड 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 गुड। हेलो, मिनिमम मिनिमम दिस मच शुड बी देयर। सपोज इफ वी मेक अ सेंटेंस, बिकॉज एनी सॉर्ट ऑफ सेंटेंस कैन बी स्ट्रक्चर्ड, अगर कोई ऐसा सेंटेंस ले लेंगे कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं और दो डिपेंडेंट क्लॉज हैं, तो वो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स ही रहेगा वो। लेकिन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स उसको कहने के लिए कम से कम दो इंडिपेंडेंट क्लॉज और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए। अब अगर दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हैं, तो कैसा है वो, कंपाउंड सेंटेंस है कि कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, ठीक है। अब अगर मैं तीन इंडिपेंडेंट क्लॉज कोऑर्डिनेटिंग, दो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ दूं, तो कैसा हो जाएगा वो भी कंपाउंड ही रहेगा। यस, नहीं नहीं नहीं, क्यों, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स ही हो जाएगा। बेटा अगर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और खाली वो अकेला है, तो वो सिंपल सेंटेंस हो गया। अब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं जो कि मैंने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ दिए, तो क्या हो गए वो कंपाउंड सेंटेंस हो गया। लेकिन मैं कह रहा हूं कि यदि दो की जगह तीन क्लॉजेज इंडिपेंडेंट जुड़े हों, अब पहले एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज किया था क्योंकि दो क्लॉज जोड़ रहे थे इंडिपेंडेंट, अब क्योंकि अब तीन क्लॉजेज जोड़ रहे हो तो दो कंजंक्शन लगेंगे, तो दो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा के यदि मैंने तीन इंडिपेंडेंट क्लॉजेज जोड़ दिए, तो क्या बन जाएगा वो, यस कंपाउंड ही रहेगा वो, कंपाउंड। उसके इसकी मिनिमम निधि, उसकी मिनिमम कंडीशन है वो, बेयर मिनिमम कंडीशन है कि हाँ कि दो होने चाहिए, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे तो वो कंपाउंड सेंटेंस बन जाए।
यस, सो लेट इट बी, मतलब मिनिमम दे शुड बी टू, दे कैन बी मोर देन टू ऑल्सो. सेम गोज फॉर कॉम्प्लेक्स ऑल्सो, कि एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए, डिपेंडेंट होना चाहिए, तो वो कॉम्प्लेक्स हो गया. लेकिन उसमें दो इंडिपेंडेंट है, एक कॉम्प्लेक्स है, तो क्या बन जाएगा, वो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा. ठीक है, एक मैडम है, कोशिश करके देखना ऐसा सेंटेंस बनाने की, बन पहले तो देखो कि बनता भी है कि नहीं बनता है ना. तो अपने पास ऑलरेडी इतने क्वेश्चन हैं जिनके आंसर्स अपने को ढूंढने, ढूंढने का मतलब कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं. तो एक हिपोथेटिकल कंडीशन एक बार ट्राई करके देखना आप आज, अगर बनता हो तो बताना, फिर उसको कल अपन डिस्कस करेंगे. ठीक है, चलिए, आई थिंक सम क्लैरिटी इज देयर. अभी तक कुछ क्लैरिटी आने शुरू हुई? ग्रेट, चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज करके देखते हैं. द ट्रेन स्टेशन वॉज स्टिल क्लोज बट अ फ्यू कॉफी शॉप्स वर ओपन. आराम से सोचिए, शांति से एक मिनट पढ़िए उसको और देखिए कि ये किस टाइप का सेंटेंस है. ये सेंटेंस आप बता रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स है, तो क्यों कॉम्प्लेक्स मालूम पड़ रहा है आपने को? तो आप देखिए, आपने ये बट पकड़ लिया कि भाई मेरे पास एक कैसा है, मेरे पास एक कंजंक्शन है. ठीक है, तो पहले तो एक चीज़ आपको और हेल्प करेगी इसमें, कि आप ये क्लियरिफाई कर लो कि ये जो हैं, ये वाले जो कंजंक्शन है वो कौन से हैं. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से किनको जोड़ा जाता है? इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ा जाता है. ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किनको जोड़ा जाता है? इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज किया जाता है. तो अब यहां पर आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी कि भाई, अब देखो, अभी भी नहीं समझ में आए तो उसको और सिंप्लीफाई करने के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं कि द ट्रेन स्टेशन वॉज स्टिल क्लोज्ड. ठीक है, यहां पर अगर मैं फुल स्टॉप लगा दूं तो क्या इसका मीनिंग निकल रहा है? पूरा निकल रहा है. ठीक है, ये बट से मैंने जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, तो बट को छोड़ दो. अ फ्यू कॉफी शॉप्स वर ओपन, तो क्या इसका पूरा मीनिंग निकल रहा है? निकल रहा है. तो यानी अगर इसका भी पूरा मीनिंग निकल रहा है, कंप्लीट थॉट कन्वे कर रहा है, और ये वाला भी कंप्लीट थॉट कन्वे कर रहा है, तो क्या है? ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और ये भी क्या है? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है. तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं. अब तो एक तरीका तो ये है ढूंढने का. दूसरा तरीका क्या है कि आप यहां पर, आपको ये समझ में आ रहा है कि व्हाट हैपेंड? ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड. अपने को यहां पर क्या समझ में आ रहा है? अपने को ये समझ में आ रहा है कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं. यह आप जब क्लॉज को एनालाइज करने की कोशिश करोगे तो ऐसे भी समझ में आएगा. दूसरा, आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जुड़े कहाँ से हैं? वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हैं. तो आपको ये इजी रहेगा एनालाइज करने में कि ये अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हैं तो क्या होंगे, इनके चांसेस बढ़ जाते हैं क्या होने के, कि ये दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे. तो अब ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं जॉइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो फिर कौन सा टाइप हो जाएगा ये? यस, वेरी नाइस. इफ यू हैव फर्दर क्वेश्चंस, प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू आस्क. बताइए कौन सा है? कॉम्प्लेक्स है. वेरी नाइस, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, कॉम्प्लेक्स है ये, है ना? यस, कॉम्प्लेक्स है ना ये वाला जो है. इफ़ यू हैव फर्दर क्वेश्चंस, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है, प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू आस्क. ये क्या है? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है. सम पीपल ओनली नीड अ कंप्यूटर टू डू देयर जॉब सो दे कैन ईजली वर्क फ्रॉम होम. बताइए. हाँ जी, यस. ठीक है, सम पीपल ओनली नीड अ कंप्यूटर टू डू देयर जॉब्स, अपने आप में कंप्लीट मीनिंग कन्वे करता है ये. तो एक क्लॉज है इंडिपेंडेंट. आपको ये भी, इससे भी आइडिया लग जाएगा कि देखिए सो से जुड़े हुए हैं ये, और दूसरा दे कैन इजली वर्क फ्रॉम होम. तो दे कैन इजली वर्क फ्रॉम होम भी इंडिपेंडेंट क्लॉज क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रहा है. तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जुड़े हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, तो क्या हो गया ये एक कंपाउंड सेंटेंस है. On the second weekend of July last year, I went camping. Complex.
कॉम्प्लेक्स है. ठीक है थोड़ा. हु इज दिस? उमा, निधि, उमा. उमा बताओ उसमें कॉम्प्लेक्स है तो फिर एक बात आओ, कौन कौन से क्लॉज होने चाहिए इसके अंदर? एक डिपेंडेंट होना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए. तो ये आई वेंट कैंपिंग ये कैसा है, डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट है, वेरी नाइस. ये आप इसको डिपेंडेंट बता रहे हो, ठीक है. इसका मीनिंग बताइए और उसमें मुझे वर्ब ढूंढ के बताइए कि वर्ब कहाँ है इसमें. है ना, वो एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है बेटा, वो है ना, वो क्लॉज है ही नहीं. वो दिखने में कि नहीं लंबा सा होगा कि चार पांच छह शब्द लिखे होंगे तो क्लॉज तो बनी जाए कम से कम. हाँ तो इसमें वर्ब है क्या? वर्ब नहीं है इसके अंदर, ये इसी का एक एक्सटेंशन है और ये पूरा जो है वो एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है. तो फिर ये कैसा सेंटेंस हो गया, है ना? यस यस. द रीजन फॉर टेकिंग दिस एग्जाम्पल इज बेसिकली कि इट डज नॉट मीन दैट एवरी स्मॉल सेंटेंस इट देर आर चांसेज दैट स्मॉल सेंटेंस वुड बी सिंपल सेंटेंसेज, बट इट इज नॉट लाइक दैट दैट इफ अ सेंटेंस हैज मोर देन 4, 5, 6 वर्ड्स इट नीड्स टू बी कॉम्पाउंड और कॉम्प्लेक्स, इट कैन बी अ सिंपल सेंटेंस ऑल्सो. गेट योर पॉइंट? है ना, कि नहीं छोटे से थोड़ा सा बड़ा सा दिख रहा है सर ये, तो ये सिंपल नहीं हो सकता. बाकी तो फिर बिठा के देखेंगे कि है ना, सिंपल है ये, सिंपल है. अब देखो इसको, आप देखोगे जैसे आपका मैंने ध्यान दिलाया तो आपको ध्यान गया कि यहाँ पर तो कोई वर्ब ही नहीं है. हाँ तो वर्ब नहीं है तो फिर मतलब ये क्लॉज नहीं है, ठीक है. अब क्लॉज उसमें एक ही है, कौन सा? आई वेंट कैंपिंग. कैसा है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है. तो सेंटेंस का टाइप कैसा, सेंटेंस का टाइप कैसा हो गया? सिंपल सेंटेंस हो गया. गुड. As population increases, food shortages become more common and quality of life can decrease. Compound complex, ठीक है. मुझे बस एक बार बता दीजिए कि कौन कौन से इसमें independent clauses हैं और कौन कौन से dependent clauses हैं. वेरी नाइस, वेरी नाइस, गुड गुड, प्राउड ऑफ यू. ठीक है, एज पॉपुलेशन, जैसे ही जनसंख्या बढ़ती है तो जनसंख्या भी है हमारे पास और बढ़ती भी है, लेकिन पूरा सेंस नहीं बन रहा. तो कैसा है वो? ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है. फूड शॉर्टेजेस बिकम मोर कॉमन, बिल्कुल क्लियर है. क्वालिटी ऑफ लाइफ कैन डिक्रीज, पूरा मीनिंग दे रहा है. तो दो हमारे पास कैसे हैं, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं और एक हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज है. ठीक है, तो ये कैसा सेंटेंस है? ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. द प्राइस ऑफ द सर्विस इंक्रीज बाय 20%, बट बिकॉज द कंपनी डिड नॉट इन्फॉर्म इट्स कस्टमर्स, मैनी पीपल डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन. आराम से पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से पढ़ के देखिए कि इसमें कौन कौन से कितने क्लॉजेज हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और क्लॉजेज हैं तो वो किस टाइप के क्लॉजेज हैं, तो कैसा उसका परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक बार चेक कीजिए और बताइए. कंपाउंड सेंटेंस है. द प्राइस ऑफ द सर्विस इंक्रीज बाय 20%, तो क्या मानूं मैं इसको, इसे इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज मानूं कि डिपेंडेंट क्लॉज? वेरी नाइस. मैनी पीपल डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन, ये क्या है, डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट. बट बिकॉज द कंपनी डिड नॉट इन्फॉर्म इट्स कस्टमर्स, तो दो इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट, तो कुल मिला के फिर क्या बन गया ये? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स. ठीक है, मैनी स्टूडेंट्स डिडंट अंडरस्टैंड सो देयर टीचर एक्सप्लेन द आंसर वेरी क्लियरली एंड स्लोली. इको आ रही है, कंपाउंड है, कंपाउंड है, मतलब इतनी बार इको हो रही है तो मतलब सही बता रहे हो गए ना. ठीक है, एक बार बता दीजिए इसमें कौन कौन से क्लॉजेस दिख रहे हैं आपको. ठीक है, बधाई हो आप लोगों को, इतनी बात अपने को समझ में आ रही है. दैट मीन्स वी आर
इन द मूविंग इन द राइट डायरेक्शन. नाउ यू कैन काइंडली ओपन योर कैमरास सो वी कैन डिस्कस दिस फर्दर. चलिए, अब इतने में थोड़ी क्लैरिटी आई हमको टाइप ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर, है ना. इतने इतने से आगे क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे धीरे धीरे करके. अभी इसको पहले अपने दिमाग में आप एक बार बैठ जाने दीजिए, एब्जॉर्व हो जाएगा ये. देन वी वुड गो फॉर क्लॉजेस, जो कि आपका सेकेंड पार्ट है, कि हमको मालूम नहीं पड़ता है, कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये एडवर्ब क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, नाउन क्लॉज है. ठीक है, तो दैट वी विल डिस्कस इन अनदर सेशन. फाइन, दैट इज फाइन विद यू? ग्रेट ग्रेट ग्रेट.